हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं एक और नए आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपके कान में भी दर्द होता है, कान से मवाद आती है, कान में खुजलाहट होती है या फिर कान में सनसनाहट की आवाज़ आती है, तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए आप क्या उपचार अपना सकते हैं। तो आप इसे ठीक करने के लिए एक कली लहसुन और एक तोला सिंदूर को एक छटांग तिल्ली के तेल में डालकर अग्नि में पकाएं। जब लहसुन जल जाए तो तेल को छानकर आप एक बोतल में भर लें। इसकी दो बूंद रोज कान में डालने से यदि आपके कान से मवाद आती है तो वह ठीक हो जाती है। यदि आपको खुजलाहट होती कान में या फिर कान में किसी तरह का कचरा जम गया है या कान में सनसनाहट की आवाज़ आती है तो ये सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। लहसुन को सरसों के तेल में उबालकर कान में टपकाने से कान का दर्द, कान में यदि जख्म है तो वह और कान से यदि मवाद बहती है, पिप बहती है तो ये सारी समस्याएँ ठीक हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।